कोमर रेन वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी रोज, तो ये ट्रिपल थ्रेड मैच होने वाला है जो कि WWE करवाने वाली है इस बार रेसलमेनिया 41 में। और अब WWE कुछ स्पेशल करने वाली है रॉक के साथ, और भाई मनी इन द बैंक के अंदर जेकब फाटू का अपोनेंट कौन होने वाला है, और भी इस वीडियो के अंदर बहुत सारी अपडेट्स है भाई, तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक एक करके हम सारी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे। चले भाई बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चले भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जेकब फाटू के बारे में। तो देखो भाई जेकब फाटू ने अपना डेब्यू कर लिया है WWE के अंदर, अब काफी खतरनाक डेब्यू किया भाई, एक एक करके सारे रेसलर को बहुत गंदी तरह पीटा है। कोडी रोड्स के ऊपर भी भाई टॉप रोप से जंप लगा दी थी, टेबल तोड़ के रख दिया था जेकब फाटू ने। और अब भाई जेकब फाटू को लेकर अपडेट निकल के सामने आई है कि देखो अगर जेकब फाटू मनी इन द बैंक के अंदर कंपीट करते हैं, करना तो चाहिए भाई, जेकब फाटू ने अगर अपना रिटर्न किया मनी इन द बैंक भाई अगले महीने होने वाला है। अगर जेकब फाटू मनी इन द बैंक के अंदर कंपीट करने वाले तो उनका भाई अपोनेंट लीक हो चुका है, कौन होगा वो रेसलर जो कि भाई जेकब फाटू को फेस करने वाला है मनी इन द बैंक के अंदर। तो जेकब फाटू ने जो अपना डेब्यू किया था सारे रेसलर को तोड़ के रख दिया था, लेकिन अब भाई केविन ओवंस को रेसलर बताया जाए जिनको भाई जेकब फाटू फेस कर सकते हैं मनी इन द बैंक के अंदर। मनी इन द बैंक के अंदर WWE मैच फिक्स कर सकते हैं जेकब फाटू और केविन ओवंस का सिंगल सिंगल। अब केविन ओवंस क्योंकि भाई जेकब फाटू और केविन ओवंस की दोनों की बॉडी फिजिक्स एक जैसी है, जेकब फाटू भी भाई थोड़े से मोटे हैं और केविन ओवंस भी थोड़े से मोटे हैं, तो इनका मैच बताया जा रहा है कि मनी इन द बैंक के अंदर हो सकता है। ये भी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अगर जेकब फाटू फेस करेंगे तो वो केविन ओवंस को फेस करेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं जिला फाटू के बारे में। तो जिला फाटू ने भाई अपना रिएक्शन शेयर किया है जब जेकब फाटू ने अपना WWE के अंदर डेब्यू किया। जिला फाटू भाई अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, उसमें कैप्शन वो लिखते हैं सी यू सून, मतलब मैं तुम्हें बहुत जल्दी देखूंगा। अब ये जो बात कही है ना जिला फाटू ने, मैं तुम्हें बहुत जल्दी देखूंगा, ये भाई थोड़ी सी अलग सी लग रही है। जिला फाटू ऐसा बताना चाहता है कि जेकब फाटू मैं तुम्हें बहुत जल्दी फेस करूंगा। क्या जिला फाटू भाई अपने डेब्यू करेंगे जब WWE के अंदर, तब वो रोमन रेंस को ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि भी भाई इंटरनेट के ऊपर भी ये वाली फोटो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जहाँ पे आप लोग ऊपर देख सकते हो। यहाँ पे ऊपर है सोलो सिको, टामा टोंगा, जेकब फाटू और टांगा लोआ, ऊपर टोटल चार बंदे। और अगर हम लोग नीचे देखे तो नीचे है रोमन रेंस, जे उसो, जिमी उसो और जिला फाटू, और नीचे भी चार बंदे, लेकिन भाई फर्क इतना है कि जिला फाटू रोमन रेंस की साइड है। अगर जेकब फाटू ने भाई सोलो सिको को ज्वाइन किया तो जिला फाटू शायद से रोमन रेंस की साइड जा सकते हैं। ऐसे में एक परफेक्ट सिनेरियो बनेगा, सोलो सिको के ब्लड लाइन के अंदर चार बंदे होंगे, रोमन रेंस के ब्लड लाइन के अंदर चार बंदे होंगे, भाई वॉर गेम्स के अंदर सिविल वॉर हो सकती है ब्लड लाइन की। तो अभी के हिसाब से जिला फाटू का ये रिएक्शन है, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं उसके ऊपर आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं जय उसो के बारे में भी। तो भाई जय उसो ने अपना रिएक्शन दिया जब जेकब फाटू ने अपना WWE के अंदर डेब्यू किया। उसो स्टोरी शेयर करते हैं, जेकब फाटू की फोटो लगाते हैं और वो भाई आईज वाला इमोजी डालते हैं। जय उसो की नजरें गड़ी हुई है जेकब फाटू के ऊपर, जय उसो देख रहे थे कैसे जेकब फाटू आए WWE में। ये रिएक्शन था भाई जेकब फाटू के ऊपर जय उसो का। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं रॉक और ट्रिपल एच के बारे में। तो देखो भाई WWE कुछ स्पेशल करने वाली है रॉक के साथ, अभी स्पेशल क्या होने वाला है, तो ट्रिपल एच मीटिंग अनाउंस करने वाले रॉक के लिए। अब ये कौन सी मीटिंग होगी, तो देखो भाई इसको लेकर अपडेट निकल के सामने आया, आप लोग देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। ड्यू टू बी अ मीटिंग इन द कमिंग वीक्स फॉर द रॉक्स अपकमिंग प्लान्स टू बी डिस्कस्ड एंड लॉक्ड इन डिपेंडिंग ऑन इंजरीज एंड फेम शेड्यूलिंग, दिस विल आल्सो लाइकली इंक्लूडिंग अ डिस्कस्ड रिटर्न डे। इसका बेसिकली ये कहना है कि WWE एक मीटिंग अनाउंस करने वाली है रॉक के लिए। अब ये मीटिंग किस चीज के लिए होगी, ये मीटिंग होगी भाई रॉक के लिए, रॉक के लिए स्पेशल मीटिंग करवाने वाले WWE। और इस मीटिंग के अंदर ट्रिपल एच उनकी सारी बातें क्लियर करेंगे रॉक के बारे में, रॉक के फिल्म शूटिंग के बारे में बात करेंगे, रॉक के इंजरीज के बारे में बात करेंगे, और WWE वहां पर ये भी क्लियर कर देगी कि रॉक का रिटर्न कब WWE के अंदर होगा, और ऐसे भाई रॉक के लिए प्लान्स लीक होंगे। जो ट्रिपल एच भाई ऑर्डर्स देंगे रॉक को, वो रॉक को फॉलो करने होंगे। तो बेसिकली मीटिंग भाई रॉक के लिए ही है, यही कुछ काम होंगे जो ट्रिपल एच बताएंगे रॉक को, और WWE भाई एक स्पेशल मीटिंग करने वाली है रॉक के लिए। तो अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट है रॉक को लेकर। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है रोमन रेंस, कोडी रोड्स और रॉक को लेकर। और जो अब रेसलमेनिया 41 होने वाला है उसके अंदर WWE ट्रिपल थ्रेट मैच करवाने वाली है रोमन रेंस, कोडी रोड्स और रॉक को लेकर। भाई अपडेट निकल के सामने आया, आप सभी लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इसका कुछ ऐसा कहना है, ऑल्दो द करंट प्लान फॉर रेसलमेनिया 41 नाइट 2 इज कोडी वर्सेस रॉक एंड इंटरेस्टिंग पिच हैज बीन मेड टू मेक दिस अ ट्रिपल थ्रेट विद रॉक रोमन कोडी विद द इवेंट्स ऑफ दिस टू लीड टू अ 1 वर्सेस 1 रॉक रोमन मैच एट रेसलमेनिया 42। दिस इज जस्ट अ पिच, आई नीड टू रिमाइंड पीपल। इस अपडेट का ऐसा कहना है कि देखो जो रेसलमेनिया 41 के लिए बताया जाए नाइट 2 का मेन इवेंट, अभी के हिसाब से भाई WWE प्लान कर रही है कि वो कोडी रोड्स और रॉक का मैच करवाए रेसलमेनिया 41 के नाइट 2 में, और WWE भाई इस मैच को ट्रिपल थ्रेट मैच बना सकती है, यहां पर वो रोमन रेंस और कोडी रोड्स और रॉक का मैच करवाए। अगर रेसलमेनिया 41 के अंदर ट्रिपल थ्रेट मैच होता है रोमन रेंस, कोडी रोड्स और रॉक का, तो फिर जो रेसलमेनिया 42 होने वाला है जो कि अगले रेसलमेनिया से भी अगला रेसलमेनिया होगा, वहां पर WWE रोमन रेंस और रॉक का एक सिंगल सिंगल मैच करवा सकती है। अभी के हिसाब से तो भाई WWE सोच रहा है कि वो रेसलमेनिया 41 के अंदर कोडी रोड्स और रॉक का मैच करवाए, और ये सिर्फ भाई एक पीछे, ऐसा मत समझ लेना कि आप ये बिल्कुल कंफर्म है, ये सिर्फ एक पीछे है। WWE भाई करवा सकती है ट्रिपल थ्रेड मैच, बाकी आप लोग बताना कि आप लोग ट्रिपल थ्रेड मैच देखना पसंद करोगे या फिर। बस भाई आज ये वीडियो यही तक थी, आज इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट थी, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप लोग चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो भाई ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोग चैनल को भी जो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आप सबसे अपने अगले नेक्स्ट वीडियो में।